करना पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, किर्गिस्तान में रफ्तार का कहर देखा गया, जहां बेकाबू ट्रक ने बच्चों को रौंद दिया है, 30 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। किर्गिस्तान से ये बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा हुआ है, दुखद घटना हुई है, बेकाबू ट्रक ने बच्चों को कुचल दिया है, 30 से ज्यादा बच्चे इस दौरान घायल हो गए, भयावह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, ट्रक जो बेहद तेज रफ्तार से आ रहा था, स्पीड पर कंट्रोल ड्राइवर ने नहीं रखा और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है, 30 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें ट्रक ने कुचल दिया। अफरा तफरी मौके पर मच गई है, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा यह हादसा हुआ है, चीख पुकार मच गई है। किर्गिस्तान में भयावह हादसे की तस्वीरें भी सामने आई, यही वो ट्रक तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, किस तरह से बच्चों को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी, रफ्तार पर काबू ड्राइवर नहीं रख पाया। तेज रफ्तार की वजह से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता और यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 30 से ज्यादा बच्चे इस बड़ी दुर्घटना में घायल हुए। किर्गिस्तान में रफ्तार का कहर टूटा है, जहां बेकाबू ट्रक ने बच्चों को कुचल दिया है, 30 से ज्यादा स्कूली छात्र जिन पर ट्रक उन्हें रौंदता हुआ आगे बढ़ गया, दुखद हादसा है। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी, क्योंकि यह बड़ा हादसा हुआ है और तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर यह ट्रक बच्चों को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। ये ट्रक आप देख रहे हैं, इसी ट्रक से 30 बच्चों को रौंदता हुआ ये ट्रक आगे बढ़ा, ड्राइवर संतुलन नहीं रख पाया, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज थी, हाई स्पीड की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है।